नमस्कार साथियों, जब जवान की बारी आई तो क्या प्रधानमंत्री, क्या रक्षा मंत्री, क्या जनरल देशभर की विधानसभा से लेकर लोकसभा राज्यसभा में बैठे 7,500 नेताओं ने मुंह फेर लिया। ये वही नेता है जो चुनाव के समय जनता के पैरों में मिलते हैं और जैसे इलेक्शन हो जाते हैं तो ये कोठियों में मिलते हैं। ये वही नेता है जिनको जनता अपनी जाति से जोड़ लेती है कि मेरी जाति का ये नेता है, पर जब कभी जनता के ऊपर कोई विपदा होती है तो ये नेता जिनको आप अपनी जाति का नेता मानते हो ये मुंह फेर लेते। आज एक जो जवान है जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है उसका परिवार आज पूरे देश से अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगा रहा है और सबने मुंह फेर लिया। अगर इस 7,500 नेताओं के परिवार में या इनके बच्चों पे कोई विपदा आ जाए तो सरकारी तिजोरी के ताले खुल जाते हैं, इनका इलाज जनता के टैक्स से होता है। पर अगर बात आए एक जवान की तो सबने हाथ खड़े कर लेते हैं। अब आप इसको दुर्भाग्य कहोगे या भाग्य कहोगे ये आप पे निर्भर करता है। पर साथियों एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि भाईचारे की जो डोर है वो बहुत मजबूत है। आज एक जवान अपनी बेटी को बचाने के लिए गुहार लगा रहा है जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है, और उसकी बेटी को बचाने की जिम्मेवारी किसकी है? क्या जो जिम्मेदार पदों पे बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी नहीं है? जब वो जवान 140 करोड़ लोगों के लिए बर्फ के अंदर बैठ सकता है, माइनस में बैठ सकता है, तो उसके परिवार की अगर कोई बीमारी आती है, कोई आपदा आती है तो किसकी जिम्मेवारी है? सरकार की। पर सरकार ने तो मुंह फेर लिया। साथियों मैं बात कर रहा हूं एक सर्विंग एयरफोर्स जवान प्रशांत सिंह यादव अपनी 2 साल की बेटी को बचाने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सीडीएस, तीनों सेनाओं के जनरलों के साथ 140 करोड़ लोगों से मदद मांग रहे, पर सब ने अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत सारे व्यक्तियों ने मदद की है पर देश भर में 7,000 से ज्यादा नेता हैं, जैसे तो उनको तो कोई सांप सूंघ गया। प्रशांत यादव मैनपुरी उत्तर प्रदेश से आती हैं और वहां के तो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह जी भी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी हैं। पर बड़ी अफसोसजनक बात है कि एक कागज के ऊपर 4 लाइन लिख के और अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ लिया कि हमने प्रधानमंत्री को लिख दिया कि प्रधानमंत्री जी आप मदद करो, जबकि वो मदद कर सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मदद करवा सकते हैं, पर नहीं, वोट चाहिए, सबको चाहिए। आप बॉलीवुड में देखते होंगे बड़े बड़े कलाकार, साउथ के अंदर भी बड़े बड़े कलाकार हैं, सेनाओं के ऊपर फिल्म बनाते हैं, हजारों करोड़ों रुपये कमाते हैं, और आज एक सैनिक की बेटी एक इंजेक्शन के लिए मदद की गुहार लगा रही है तो ये सारे बॉलीवुड नेता, इनको बॉलीवुड नेता ही कहेंगे, अभिनेता तो है नहीं, जो एक्टर हैं
सब ने आंखें फेर ली, बस इनको पैसा कमाना है वर्दी पहन के, क्योंकि ये नकली के हीरो हैं। अगर असली के हीरो होते तो ये मदद के लिए आ गया। सैनिक भाइयों, जो जवान है प्रशांत सिंह यादव ने अपनी बेटी को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग इनफैक्ट शुरू की है, जिससे वो धन जुटा सके और दुनिया का एक सबसे महंगा इंजेक्शन है जोलसेन मो इंजेक्शन, जो अमेरिका से आयात करना पड़ेगा, 14 करोड़ रुपए का इंजेक्शन। मैं पूरी बात से आपको अवगत करवाता हूं। प्रशांत सिंह यादव जी हैं और भारतीय वायुसेना में कार्यरत हैं। उनकी 10 माह की बेटी जेस्वी यादव SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी से सूझ रही है। इसका एक मात्र इलाज जिसका नाम जेनसमा, ये एक इंजेक्शन है, अमेरिका इसको बनाता है और इसकी कीमत 14 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यदि यह इलाज न मिला तो बेटी अपना दूसरा जन्मदिन भी नहीं मना पाएगी। यह ट्रीटमेंट DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से स्वीकृत नहीं हुआ है, क्योंकि यह इंजेक्शन भारत में नहीं है और ना ही इसको स्वीकृत किया गया है यहाँ के। तो ये जब ये इंजेक्शन भी मंगवाया जाता है तो लिखित डॉक्टरों के ओपिनियन से और भारत सरकार की मंजूरी से, और RR हॉस्पिटल में भी नहीं है। अपनी बेटी को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग इनफैक्ट इन्होंने शुरू की है और अभी तक ये 2 करोड़ से ज्यादा धन जुटा चुके हैं इस इंजेक्शन के लिए। दोस्तों, ये जो बीमारी है, ये जब बच्चा जन्म लेता है तभी उसके उसके अंदर आ जाती है, मतलब करोड़ों लोगों में से किसी एक को होती है। ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी यानी SMA एक न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर है। बच्चे में यह डिसऑर्डर होने पर धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर पड़ने लगता है, चल फिर नहीं पाता, बॉडी के कई हिस्सों में मूवमेंट नहीं हो पाता क्योंकि शरीर की मांसपेशियों पर उनका कंट्रोल खत्म होने लगता है। यह एक जेनेटिक बीमारी है जो जीन में गड़बड़ी होने पर अगली पीढ़ी में पूछती है। ऐसा होता क्यों है, यह जानते हैं? स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी होने पर ब्रेन की नर्व सेल्स और स्पाइनल कार्ड डैमेज होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में ब्रेन मसल को कंट्रोल करने के लिए मैसेज भेजना धीरे धीरे बंद करने लगता, नतीजा बच्चा मूवमेंट नहीं कर पाता। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है बच्चे को खुद से हिलना डुलना बंद हो जाता। अब तक इसका कोई स्टिक ट्रीटमेंट नहीं है तो वो इंजेक्शन ही। बहुत सारे सलाह देने के लिए आ जाते हैं कि वहां से ले लो, वहां से कर लो, ये कर लो, वो कर लो। देखो साथियों, सब ने आंखें बंद कर ली, तभी तो इसने धन जुटाने के लिए पूरे देश से मदद मांगी। हम कह तो सकते हैं कि प्रधानमंत्री के पास में केयर फंड है, रिलीफ फंड है, पर उन तक हमारी बात पहुंचाएगा कौन? हम बहुत छोटे हैं, जवान हैं, और जिनकी जिम्मेवारी है इस चीज को पहुंचाने के लिए वो कुछ कर नहीं रही। ऐसा नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री ने अभी तक इस स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी में बच्चों की मदद नहीं की। उन्होंने करी है 2023 में, जब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जब प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगाई तो प्रधानमंत्री ने ये इंजेक्शन मुहैया भी करवाया। और जो एक्साइज ड्यूटी की छूट मिली तो 6 करोड़ की करीब मिली। होली दिवाली सब बनाएंगे, असली होली दिवाली क्या है? सेनाओं का मनोबल बढ़ाना। ये बच्ची एक प्रशांत सिंह यादव की नहीं है,
ये बच्ची 140 करोड़ लोगों की, भारतीय सेनाओं की, सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए कि हर सैनिक को अपने आप उसका मनोबल उच्च स्तर का हो कि नहीं, हमारे पीछे हमारी सरकार बैठी है, प्रधानमंत्री बैठे हैं, हमारे रक्षा मंत्री बैठे हैं, हमारे जनरल साहब बैठे हैं, वो हमारे परिवार की चिंता करेंगे। पर भाई सबने आंखें बंद कर रखी। एक भाई कह रहा कि अगर आप जनरल साहब होते तो क्या करते। मैं जनरल साहब होता तो मैं संगठन के अंदर ही इतनी बड़ी तीनों सेनाएं हैं अपने साथियों से बात करता, दूसरे जनरल साहबों से बात करते, और अपने अंदर ही संगठन में हम धन जुटा के इसका इलाज करते। आज ये जो बेटी है, आप सोच रहे होगे कि ये बेटी प्रशांत की है, क्या तक कल हमारे बेटा बेटी को ये बीमारी हो जाती तो हम, हमारे पास में क्या संसाधन थे। 41,000 रुपया वेतन लेने वाला 14 करोड़ रुपया कहां से लगा देगा। तो हम भी धन जुटाते, हम भी मदद मांगते, हम भी अपनी जोड़ी फैलाते। आपके घर में या मेरे घर में किसी बच्चे को बीमारी नहीं हुई तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम भाग्यशाली, नहीं, हमने सोचना पड़ेगा कि ये बेटी हमारी, क्योंकि देखो भाई कर्म का घड़ा, आने वाले समय में कर्म का घड़ा ही बताता है कि आपने कितना कर्म, कितना पुण्य कमाया है। तो ये तो एक घड़ा है, इसमें जो आप छोड़ोगे वो आपको वापसी परमात्मा देता है। अगर हम ये सोच के मदद करें ना कि ये बेटी हमारी, ये बेटी हमारी है और इसकी दुआएं हैं हमारे साथ, आज सिर्फ इस भाई की जिम्मेवारी नहीं है, कल ना ये बीमारी अगर हमारे बच्चों को हो गई तो ये कर्म का घड़ा फिर हमारे सामने टिक जाएगा। हमारे पोता पोती को हो गई तो तब हम क्या करेंगे, तब भी ये सैनिक समाज जो 50 लाख के करीब है, 20% ये भाईचारे की डोर को नहीं टूटने देगा। अगर किसी पूर्व सैनिक के पोते पोती को भी अगर ये बीमारी होगी तब भी हम एक साथ खड़े होके फिर अपने आप को साबित करेंगे। आज दिल खोल के मदद करनी चाहिए। हमारे पास में वैसे बहुत सारे फंड हैं, तीनों सेनाओं के पास में बैटल कैजुअल्टी फंड है, अनगिनत फंड है, फ्लैग फंड है, पर भाई सब पे ताले लग रहे। जिसके साथ में बीतती है वही जानता है, जिसके साथ में नहीं बीतती है वो उस दर्द को महसूस नहीं कर सकता। जिन हाथों में ये बच्ची है, उस मां की गोद में है, तो वही इस दर्द को महसूस कर सकता है। हमने इस दर्द को महसूस करने के लिए उनकी तरफ, उस बेटी की तरफ जो जस्वी है, 1 साल की भी नहीं हुई, हमने उसकी तरफ देखना पड़ेगा। हमें इमेजिन करनी पड़ेगी कि ये बेटी हमारे हाथ में और हमारे घर में पैदा हुई, तब हम जाके किसी की मदद कर सकते। साथियों, मैंने बहुत सारी, आप लोगों ने दिल खोल के दिया था, एक पूर्व सैनिक का एक्सीडेंट हो गया था, एक एक महान जो भाई
दानवीर हैं, कर्ण की तरह हैं। किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 1000 रुपये दिए, किसी ने 10000 रुपये दिए। 10 रुपये देने वाला भी और 10000 रुपये देने वाला भी और 10 लाख रुपया देने वाला भी, सब बराबर। बस उसकी हाजिरी इस पुण्य के काम में चढ़ जाती है। क्या ले आए थे और क्या लेके जाएंगे, यही सब कुछ है, यही घड़ा रखा है। इस घड़े के अंदर जितने आप अच्छे कर्म करोगे तो ये घड़ा आपको वापस कर देगा, आपके आने वाली पीढ़ियों को वापस कर देगा। तो एक मैं तो ये कहता हूं कि दिल खोल के इस भाई की मदद करो, दिखा दो एक बार कि बड़े बड़े नेताओं ने जो जिम्मेवारी के पद पे बैठे हैं वो होली दिवाली सैनिकों के साथ फोटो खिंचवाते तो हैं, पर जब उन पूर्व सैनिक जो सैनिक हैं, जब उनके परिवार में कोई बच्ची इस बीमारी से सूझ रही है और उनका परिवार आज सड़क के ऊपर से लेके जगह जगह जाके अपील मांग रहा है, झोली फैला रहा है, तब इनको वो जवान नहीं दिखते, तब इनको उस जवान को, उस बेटी को अपने पास बुला के फोटो नहीं खिंचवाना चाहिए, ये नहीं खिंचवाएंगे। आपसे जितनी मदद हो सके आप करिए इस जवान की मदद। साथियों, मेरे वीडियो को देख के छोड़ोगे भी ना तो आपके दिल से एक आवाज आएगी आत्मा की कि मेरे को मदद करनी चाहिए। पर मेरे आप आगे बढ़ जाओगे, अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनोगे, यही आपके कर्म, अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। साथियों, हो सकता है किसी साथी की जेब में 1 रुपया ना हो पर उसका दिल इतना बड़ा हो, समुद्र की तरह पता नहीं क्या दे दी वो इस बच्ची को, क्योंकि ये बच्ची सैनिक समाज की है। मैंने पहले कह दिया कि क्या दे दी, तो सैनिक साथियों, मेरे वीडियो को अगर आप 10-10, 15-15 ग्रुपों में भी शेयर कर दोगे, इससे मेरे को कोई लाभ नहीं मिलेगा, या वो पैसा मेरे पास में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, या आपकी GST कट जाएगी तो ऐसा भी कुछ नहीं। पर उन आप 10-10 ग्रुपों में शेयर करोगे तो वहां 150 साथी इस चीज को देखेंगे और कोई 10 रुपया देगा, कोई 100 रुपया देगा, कोई 20 रुपया देगा, कोई 10000 देगा, तो ये पुण्य आपके ही कर्म में जुड़ेगा, क्योंकि मदद तो आपने करवाई ना इस चीज को आगे से आगे पूछा के। क्योंकि अगर वो उसकी आवाज उस बच्ची की तस्वीर हमारे पास में नहीं पूछती तो हम कैसे मदद कर सकते थे। और मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं अंदर ही अंदर भावनात्मक इसको महसूस कर रहा हूं, वैसे मतलब आंखों में आंसू भी आ जाएं। तो वो जो साथी के पास में मैसेज आएगा तब वो सब मदद के लिए उतरेंगे, वो इस चीज को सोचेंगे कल ना हमारे बच्चे को कुछ हो गया, कोई दूसरी बीमारी होगी, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो सैनिक समाज जब भी उस बच्चे के भी साथ में खड़ा रहेगा, ये सोच के हमने उस बच्ची को आशीर्वाद देना, उस बच्ची की ताकत बढ़नी है, उस परिवार की ताकत बनना है हमने, और ये सब कुछ हो सकता है मिलजुल कर ही, एक दूसरे के पास पूछा और पूछा दो वहां तक, जिन्होंने मुंह फेर लिया, जिन्होंने सरकारी तिजोरियों पे ताले लगा दिए। ये सरकारी तिजोरी जब ही खुलती हैं जब किसी नेता को जुखाम हो जाए, उसके बच्चों को जुखाम हो जाए, तब तो ये टैक्स पेयर का पैसा उन पे लगा दिया जाता है। तो इसलिए साथियों,
इस मुहिम का हिस्सा बनिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी नैतिकता के आधार पर, अगर आपकी आत्मा कहती है कि नहीं भाई कपिल भाई ने बिल्कुल ये बात कही है कि कपिल भाई हरियाणा में बैठा है, वो भाई मैनपुरी में है, मैं कभी मिला नहीं कुछ और नहीं, पर हम एक दूसरे से जुड़े हुए, वो फौजी भाई है, आपा भी फौजी भाई है, हम कहीं भी इस देश के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी पूर्व सैनिक के घर में चले जाओ, हमने रोटी पानी चाय सब कुछ मिलेगा, ये हमारा अधिकार है, कोई किसी पे एहसान नहीं करता। अगर सड़क के रास्ते जा रहे हैं, कोई गाड़ी खराब हो गई गांव के पास में और हम कहीं हरियाणा से मैं राजस्थान या गुजरात या आंध्र प्रदेश में हूं, तो सबसे पहले मैं वहां पूछता हूं भाई कोई पूर्व सैनिक है हमारा यहां पे, तो उनके पास में जाते हैं, हमको अपना परिचय देते हैं, रोटी भी देता है, पानी भी देता है, चाय भी देता है, गाड़ी ठीक भी करवाता है, ये भी पूछता है कि पैसे पूसे हैं या नहीं है, तो लेके जाओ चक बाद में वापिस कर देना। तो आज इस मुहिम का हिस्सा बने। और भाई एयरफोर्स जवान प्रशांत सिंह यादव की बच्ची के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद करें, और सारे स्क्रीन आप पे चल रहे हैं, पीछे से वीडियो में उनका जो अकाउंट नंबर है, जो स्कैनर है, जो अकाउंट नंबर है वो आपके स्क्रीन पे है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनका बच्ची का अकाउंट नंबर डाल दूंगा। और मैंने इस चीज के ऊपर दो दिन में बहुत नेट पे सर्च किया इस बीमारी के लिए, और मैंने बहुत सारी उनकी रिपोर्ट भी देखी है, भाई प्रशांत की भी, भाई की भी, बच्ची की मैंने रिपोर्ट भी देखी है, बहुत तसल्ली हुई जब मैं इस मुहिम में आया हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, और बहुत सारे पूर्व सैनिक फॉरन में बैठे हैं, हमारे देश में भी काम कर रहे हैं, नौकरियाँ लगी हुई हैं, तो आज उनको दो कदम आगे लेना चाहिए कि इसके लिए, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे सर्विस पर्सन हैं उनको तो मतलब दिल खोल देना चाहिए, दानवीर कर्ण की तरह दो कदम आगे बढ़ाओ इस बच्ची को, ये बच्ची एक फूल है, इसके अंदर जीवन डाल दो भाई, तो आप परमात्मा हो गई, क्योंकि परमात्मा भी किसी के अंदर जी नहीं डाल सकता, पर आप अगर इस बच्ची के अंदर जी डाल देते हो तो आप परमात्मा। और मेरा वीडियो हर जगह भाई पूछा दो, ऊपर लेवल तक भी पूछा दो जो जिम्मेवारी पदों पे बैठे, ये स्कैनर सारे अकाउंट नंबर पूरे इस पे चल रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों।